1,06,557 वोट से जीती सपा प्रत्याशी रुचि वीरा भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह को हराया। वोटिंग के अगले दिन 20 अप्रैल को उनका हो गया था निधन। रुचि वीरा ने जीत के बाद सभी वोटर्स का किया धन्यवाद। आजम खान साहब ने उन्हें टिकट देकर उन पर विश्वास जताया। अपने क्षेत्र के लोगों का, सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का, चाहे वो सिख समाज के हों, ईसाई समाज के हों, दलित समाज के हों, चाहे कोई भी बिरादरी के लोग हों, सब लोगों ने मुझे वोट देने का काम किया है, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के दिन मोहम्मद आजम खान साहब का, जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाया। मुझे मेरी, मैं उनकी सरपरस्ती में सालों से राजनीति करती हूं। उनका, उनकी जो छत्र छाया है ऊपर वाला उनकी मुसीबतों को कम करे और भाई वो जो है उनकी, उनको सेहत दे ऊपर वाला। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूं और आप सब लोगों का भी धन्यवाद। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र पहली महिला होने का इतिहास देखने जा रही है, इधर से ले लो सब लोग। बस मैं सब अपने भाई बहनों का, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सवाल उठे, अब आप जीत गई, आपने जीत हासिल करके दिखाई है, इस पर क्या कहना चाहिए? सबका धन्यवाद, ऊपर वाले का, भगवान का, सबका शुभ धन्यवाद। और भाई मेहरबानी ऊपर वाले की कि उसने मुझ पे इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि हमने चुनाव मजबूती के साथ लड़ा। पार्टी के सभी लोगों का, अपने जिला अध्यक्ष का, अपने सभी जो और कार्यकर्ता हैं उन सबका धन्यवाद। आपको 13 दिन मिले थे चुनाव लड़ने के और 1,00,000 से अधिक वोटों से आपने जीत हासिल की है, क्या मानती है इसका करें? सब पार्टी का भाई बहुत बड़ा रोल होता है बड़े चुनाव में, कोई व्यक्ति का होता है, लेकिन व्यक्ति एक चुनाव मनाने का माहौल बना सकता है, कैंडिडेट या उसके सब साथी, लेकिन पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो भाई मुझ पे, एक महिला पे उन्होंने ये भरोसा जताया और देखिए मैंने जैसे बताया कि मैं मोहम्मद आजम खान साहब की सरपरस्ती में राजनीति करती हूँ और उन्होंने इतनी मुश्किल दौर में भी ख्याल रखा और ये देखा कि इलाके में कौन जो है वो काम करने वाला हो सकता है, कौन जीत सकता है। तो भाई मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि उनकी मुसीबतें कम हो, जो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है उससे उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिले।